अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब सिस्टर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। और छोटा सा व्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सुबह के नाश्ते से शुरू कर रहे हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी हम दोनों मिलके ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। वो अपने लिए पैनकेक बनाएगी और मैं यहाँ पे बाकी जो बाकी सबका नाश्ता है वो बना रही हूँ। और ये बन रहे हैं पैनकेक्स। एक कप कॉफी बना लेंगे, साथ में थोड़ी सी चाय बननी है और एक कप में जो है वो खाली दूध डालना है। कॉफ़ी तो तैयार हो गई है लेकिन बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है ऐसी चीज़ों से, कॉफ़ी मेकर वगैरह हो तो वो खेलने में लग जाते हैं। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बुफे के लिए और हमने सोचा था इस दफ़ा यहाँ पे हम आए थे ये नई जगह हमने ट्राई करनी थी लेकिन पूरा फुल था तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे जगह नहीं मिली। तो हमने सोचा कि जहाँ हम लास्ट वीक गए थे वहीं पे चलते हैं। तो फिर हम लोग निकल पड़े वहाँ से और अजमान की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बल्कि अब हम अजमान पहुँच चुके हैं। ये काफ़ी अच्छे से ये जो पार्क है इस पर लाइटिंग की हुई है और इसके साथ ही रोड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से सजा दिए गए हैं। जब रोज़े आने वाले तो रमज़ान के लिए काफ़ी अच्छे से उन्होंने डेकोरेशन की है। इस दफ़ा हमने इसमें मेरी देवरानी ने ये सारी वीडियो बना ली थी। जो भी खाना यहाँ पे बुफे में था, चाइनीज़ राइस, मंचूरियन है, उसके अलावा पहले सूप भी था, ये नूडल्स, पास्ता, बिरयानी, ये शिमला मिर्च और आलू है शायद, उसके बाद ये कबाब का एक सालन था, एक चिकन का, उसके बाद चिकन विंग्स थे, उसके बाद बारबेक्यू और ये रोटियां। तो सबसे पहले जो है उसके अलावा मीठे में भी कुछ चीज़ें थी, इनकी जो वीडियो है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाई। मीठे में खीर और रसगुल्ला वगैरह, और स्टार्टिंग में सबसे पहले ये गोलगप्पे और मतलब पानी पूरी टाइप ही है, उसके साथ सूप। रमज़ान में भी हम लोग डिफरेंट जगहों पर जाते हैं बुफे के लिए, तो वो भी अगर हो सका तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। इस तरह से आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे जो है वो अच्छा बुफे है। तो ये पाकर्स ही रेस्टोरेंट है अजमान में, उसका मैं आपको दिखा रही हूँ, 35 पर हेड था। तो लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था ये, क्योंकि लास्ट वीक जब गए थे तब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी ये सैटरडे नाइट की थी, आज संडे है,
संडे को हम लोग जा रहे हैं इस वक्त सहारा सेंटर, शारजा वालों को पता होगा सहारा सेंटर इस वक्त हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे हम जो सब हैं मिल के खाना खाएंगे, उसके बाद बाकी जिसने जहाँ पे जाना हो सब हम अलग अलग चले जाएंगे। तो ये लाफा का आपने शवरमा अगर खाया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा आपको लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं सहारा सेंटर, यहाँ से सीधा हमें फूड कोर्ट में जाना है। अब यहाँ एंटर हो गए हैं हम सहारा सेंटर में और यहाँ पे हम सीधा जाएंगे फूड कोर्ट में, जहाँ पे बाकी जो सब हैं वो हमारा वेट कर रहे होंगे। और यहाँ पे हमने शॉर्मा लिया, शॉर्मा प्लेट, पराठे लिए, आलू वाला, गोभी वाला पराठा, और उसके अलावा ये भरे हुए हमने गोलगप्पे लिए। खाने के बाद मेरी बेटी कह रही थी कि उसको प्लेइंग एरिया में जाना है, तो उसको यहाँ पे हम ले आए थे, उसे स्लाइम बनानी थी, अभी वो स्लाइम बनाएगी। ये एक्टिवेटर, हाँ, वो क्लियर। इसमें काफ़ी कुछ मिक्स करने के बाद अब स्लाइम जो है वो बन रही है। ये बच्चों का एक डॉल हाउस है जो उनकी चाची जान ने उनको बना के दिया है, बल्कि बेटी मेरी को बना के दिया है। देखें, ये जो है मेरी देवरानी का क्राफ्ट चैनल है, उस पे भी इसकी वीडियो आएगी, तो उसका जो लिंक है मैं क्राफ्ट चैनल का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत बारीकी से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ये जो सोफे हैं ये भी खुद ही बनाए हैं सारे। और भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो, चलो लाई लाई नाश्ता कर लिया, चलो मैं ये क्या है, अच्छा उससे बने, चलो तब तक मैं नहा लेती हूँ। मैंने खा लिया मम्मी, ओके मम्मी जा रही हूँ खाला के साथ, बैग दे दो मेरा बर्तन धो देना, अच्छा मैं जल्दी हूँ। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा और फूड रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है चने भटूरे बॉम्बे चौपाटी के, तो काफ़ी मुझे पसंद है और काफ़ी मज़े के होते हैं, लाइट से होते हैं, ऑयली भी इतना नहीं फील होता। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।